जो फ्रॉक स्टाइल और ये जो राइड नीचे से कट वर्क है ना, ये वाला इस दफा फैशन में है। ओके, टोटल अनस्टिच शर्ट है, सेमी स्टिच से कहा जाता है। अच्छा, ये कौन सा काम कहलाएगा? ये भी टोटल हैंड नॉटेड फुलकारी वर्क। फुलकारी वर्क है इसको, देखा। एक ये कुर्ता स्टाइल बहुत फैशन में और नीचे कट वर्क बना हुआ है, बिल्कुल कट वर्क बहुत, ठीक है। और इसमें पर्पल कलर बहुत इन है। वहाँ से कितना प्राइस डिफरेंस है? वहाँ से आपको 20-30% डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल, ये इसका काम देखें आप कितना हसीन बना हुआ है। ये मैं आपको उस मार्केट में ले आई हूँ कि आप इस मार्केट में आ जाए ना और आप खाली हाथ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कटवर्क का काम है, हैंडवर्क का, गले का काम है, इसके बैग का काम है, जबरदस्त। ये पिंक बैग देखें सितारों के काम के साथ कितना जबरदस्त है। और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग बैग होते हैं सारे। 600 के ट्राउजर्स ये हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पर्पल कलर है ये इस वक्त जो है वो मोस्ट जो है वो फैशन में है। ये पर्पल कलर आने वाला है। ये देखिए, ये अगर आपको पश्तून ड्रेस और इस तरह के ड्रेसेस कल्चर डे के लिए लेने हैं तो वो सब यहाँ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस विद फहीम के साथ मैं हूं सुमैया खुर्शीद और मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूं और ये है सदर की मदीना सेंटर मार्केट। और इस मार्केट में जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी अंदर चल के क्या क्या मिलता है। और यहां पर है वो होलसेल मार्केट जहां से दुकानदार लेकर जाते हैं और आपको महंगी महंगी बेचते हैं चीजें, मगर यहाँ पर मिलती है थोड़ी सी सस्ती। तो ईद की आमद आमद है तो आप यहाँ से खरीदें सस्ती सस्ती चीजें। यहाँ पर लड़कों की भी वैरायटी है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं जो है वैरायटी है, ये जो शॉप है अब मुझे बताएं यहाँ पर क्या नई नई वैरायटी आई हुई है। और मैंने सुना है कि ये वो शॉप से जहाँ से मार्केट वाले लेकर जाते हैं। यस, वी आर होलसेलर मार्केट की, ये जो भी चीजें यहाँ से मोस्टली बेचती है। हमारे पास चिकनकारी वैरायटी होती है, दुपट्टे होते हैं और बहुत सारे हैंडमेड चीजें होते हैं। इसके अलावा इस न्यू आइटम क्या आया हुआ है? सब न्यू आइटम है, मोस्टली वी हैव वीकली बेस पे न्यू आइटम आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो मैं आपको दिखा दूंगा न्यू आर्टिकल। इस वक्त इस दफा ईद पे फैशन क्या है? दिस वन, ये मोस्टली ये ब्राइडल दुपट्टे वगैरह डिफरेंट सेट है ना, ईद की वैरायटी मोस्टली ये चलती है दिस टाइप। और इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी है ना डिफरेंट, ये आपको मिल जाएंगी। हमारे जो मेन होलसेलर है केसर आर्ट एंड कलेक्शन, शॉप नंबर 53 मदीना सेंटर। और शूटिंग की वैरायटी लाइक दैट, जैसे कि आप ये दुपट्टा देख सकते हैं। yes, इस दुपट्टे को लेकर आप बहुत आराम से सादा सूट बना सकते हैं। और कुर्ती जो होती है टोटल हैंड आर्टेड कुर्ती होती है, ये टोटल हैंडमेड है, चिकनकारी का। हाँ, ये चिकनकारी की कुर्ती है। आपको इस टाइप के अलावा ये कितने की है चिकनकारी की कुर्ती? दिस वन ओनली 25। वी आर होलसेलर सो रेट सबके लिए की होता है। ये तो आप काफी सस्ती दे रहे हैं ये। और बड़े वाओ, फ्रॉक्स स्टाइल टोटल हैंड आर्टेड। इस वक्त जो है वो ईद पर फ्रॉक्स फैशन में लाइक दैट, दीज आर डिफरेंट डिजाइंस एंड आपको बहुत चीजें डिफरेंट मिल जाएंगी। वाओ, हैंड नोटेड है, इसमें कलर्स डिफरेंट कलर्स अवेलेबल। ये चिकनकारी की फ्रॉक्स हैं। ये चिकनकारी आइटम मोस्टली यहीं पे ही मिलेंगे आपको, शॉप नंबर 53। ये जो मार्केट है मदीना सेंटर, इसकी शॉप नंबर 53 केसर आर्ट एंड कलेक्शन पे ही आपको मिलेंगे ये चिकनकारी के कपड़े, अनस्टिच स्टिच एज वेल एज और बहुत वैरायटी मिल जाएगी। और ये हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी होती है और ये कभी भी जो है वो पुरानी नहीं होती है, एवर ग्रीन होती है। यस, एम आई राइट? यस श्योर। दिस वन ये प्योर जो होती है कांथा सिल्क के, तो यहाँ से फॉरनर्स वगैरह भी लेके जाते होंगे। yes, डेफिनेटली हर कोई लेके जाता है मोस्टली यहाँ पे ना, और होलसेलर है रिटेलर भी लेके जाते हैं। ये कितनी ठंडी चादर है, ये जैसे कि हम मोस्टली ब्राइडल्स को बहुत भारी भारी चादरें दे देते हैं, बाद में वो बिचारियां पहन नहीं पाती, तो ये वो चादर है जो हम ब्राइडल को भी दे सकते हैं गिफ्ट में। यस श्योर, ये देखें हैंडमेड चीजें। वाओ, मतलब आपके पास सारी हैंडमेड चीजें हैं। ये कौन सा काम हुआ है वैसे? टोटल हैंडमेड, ये कथान सिल्क है, टोटल वूलिन काम है ऊपर। ताकि हमारे कस्टमर्स को पता चले, फिक्र हो जाए, जस्ट विजिट करें, प्राइस रीजनेबल जो है होलसेल सबके लिए। ये बहुत प्यारी है, इसकी क्या प्राइस है? ये वैसे फकीरिया स्टाइल है लाइक? यस, टोटल हैंड नोटेड रली दुपट्टा, बेडशीट अवेलेबल। ओके,
इसमें सारे रंग है, इसको व्हाइट या ब्लैक जोड़े के साथ पहना जाए तो लुकिंग ऑसम। यस श्योर, ये देखें इसमें और डिफरेंट डिजाइन बहुत सारे। कितनी ठंडी है, आप गर्मियों में आराम से ये जो है ले सकते हैं दुपट्टा, और इसके साथ आप बिल्कुल सादा ड्रेस बनाए, एलिगेंट लगेंगे, प्यारे लगेंगे। वाओ, ये तो भाई मुझे बहुत अच्छी लगी। ये कौन सा काम है? मुकेश वर्क, मुकेश वर्क है ये, और ये गोटे वर्क है, इसमें मुकेश वर्क भी अवेलेबल है। इसको जरा सा लगा के दिखाएंगे आप, ये देखो, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो आराम से देख सके। ये देखिए, ये मुकेश वर्क है जिसे हम मोस्टली गोटा वर्क कहते हैं, और ये अंगरखा स्टाइल में सिली हुई है जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है। आप इसको जीन्स पे भी पहन सकते हैं, और इसको आड़ा पजामा जिस तरह का सिल्वर कलर का मिलता है ना, उस कलर का अगर आड़ा पजामा लगाया जाए तो ये शादियों के लिए बेस्ट है ड्रेस। आप पहनेंगे तो बस सब आपको ही देखेंगे। अगर आपके साथ कोई नाप का प्रॉब्लम है तो आप अनस्टिच लेके अपनी नाप के कपड़े सिलवाएं। ये बहुत प्यारा सा आसमानी कलर है, दुपट्टा सा है, और ये मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये देखें, ये इस पर बहुत प्यारा जबरदस्त। ये कितने का ड्रेस है? दिस वन 5500 ओनली, 5500 साढ़े 5000। यस, और इसमें स्टिच चाहिए तो स्टिच में साइजेस का इशू आता है। ये कितनी प्यारी है स्टिच, ये आपको बिल्कुल रीजनेबल प्राइस 3500। चिकनकारी और मुकेश वर्क मिक्स है। यस, दिस वन ये गोटा वर्क है, मुकेश वर्क दूसरा होता है, डिफरेंट स्टाइल। अच्छा, मुकेश वर्क और गोटा वर्क में क्या फर्क है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ताकि हमारे कस्टमर्स को पता चले। जी जी श्योर। ये पूरी भरी हुई है शर्ट, मुकेश वर्क ऊपर मैं मंगवा रहा हूँ, एक मिनट में आपको मिल जाएगी। ये दुपट्टा है शिफॉन में, ये शिफॉन पे जी हाँ, ऑर्गेंजा भी है, शिफॉन भी है, डिफरेंट वैरायटीज अवेलेबल है। मोस्टली आपको दुपट्टे फैंसी आइटम्स मिलते रहेंगे। वाओ, ये कितना प्यारा है, फाइन क्वालिटी, जबरदस्त। ये एक और बड़ा हसीन आर्टिकल निकल चुका है, ये आप उत्तम में अगर पहने, कलर्स अवेलेबल है बहुत कलर्स। ये बिल्कुल नेट का है, ग्रीन ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर ही है। कौन सा काम है? दिस वन ये मुकेश वर्क है, मोस्टली जो है ना परतोले के हिसाब से लगता है, ये फाइन है, ये चंदेरी सिल्क टू पीस है, ये टोटल मुकेश वर्क है। इसके ऊपर जो मुकेश वर्क है और गोटा वर्क इसको बोलते हैं, जिसमें गोटा लगा होता है, ये सारा स्टिच है, चिपका हुआ नहीं है, टोटल हैंडेड बराबर में रखे इसके ना। देखिये ये डिफरेंस है, ये है गोटा वर्क, ये लगा हुआ है गोटा जी, इसका कपड़े से कोई ताल्लुक नहीं होता, बेसिकली डिजाइन से ताल्लुक होता है, राइट? एम आई राइट? यस श्योर। ये जो है गोटा है, ये गोटा वर्क है, और ये है मुकेश वर्क। मुकेश वर्क तो ये इस तरह का सा कोई लाइक सितारा टाइप का टका वो होता है, राइट? जी जी राइट। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पर्पल कलर है ये इस वक्त जो है वो मोस्ट जो है वो फैशन में है। ये इस दफा ईद पर ये पर्पल कलर आने वाला है। तो चाहिए खड़ी नेट में बनारसी सिल्क, तो ये बहुत सारी वैरायटी, तो यहाँ पे मोस्टली जो विजिट करेगा ना उसको इससे भी ज्यादा मोर मिलेगी, क्योंकि ये विजिट से ही अंदाजा होगा। इस पिक्चर्स में तो चलो अच्छी चीजें नजर आएंगी, लेकिन जब एक पर्सनली देखेंगे तो सही। अब भाई निकाल रहे हैं बनारसी कपड़ा, ये बनारसी कपड़ा भी कभी पुराना नहीं होता, बनारसी तो रेगुलर आइटम में चलने आ रेगुलर आइटम है। यस, और ये जब दिया जाता है तो इसकी बड़ी मांग होती है। ये टोटल हैंड नॉटेड शर्ट देखेंगे, टोटल अनस्टिच शर्ट है, सेमी स्टिच से कहा जाता है। अच्छा, ये कौन सा काम कहलाएगा? ये भी टोटल हैंड नॉटेड फुलकारी वर्क, फुलकारी वर्क है, इस पर फूल बने हुए, और ये बड़े ठंडे कपड़े पे बने हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो है कपड़ा मशीन का है या हाथ का है? हाथ का है कपड़ा, मशीन का होगा। ये वो कपड़ा है जो सिल्क की एक सौगात कपड़ा कहा जाता है, ठंडा जबरदस्त कॉटन लोन है ये वाला, सही। वैसे ज्यादातर लोग किस किस्म के कपड़े खरीदना पसंद कर रहे हैं? सब करते हैं, मोस्टली डिपेंड करता है च्वाइस है, कोई जॉर्जेट पे चला जाता है उसकी च्वाइस है, कोई कॉटन लोन चला जाता है। अब क्या दिखा रहे हैं आप? ये देखें, ये दुपट्टे बच्चों के भी है, इसमें बड़े भी मिल जाएंगे। ये कौन सा काम है? वेडिंग स्टाइल में होती है ये, चलते हैं रनिंग। इसमें बिग साइज भी है, किंग साइज भी है, बच्चों के भी है। शीशा वर्क, मिरर वर्क जिसे बोलते हैं ना, मिरर वर्क दुपट्टा है। जैसे आप देख सकते हैं, वैरायटी तो बहुत है। आपको मैं ट्रेडिशनल दिखाना चाहूँ तो ये देखे थर पार्कर के स्टाइल से, ये देखो। अच्छा, इनके पास जो है वो थर पार्कर स्टाइल के कपड़े भी है, इंडियन भी है, थर पार्कर डिफरेंट स्टाइल जो है ना वो मोस्टली चलते रहते हैं। ये देखो ट्रेडिशनल दुपट्टे होते हैं, और इसमें चुनरी में चाहिए तो चुनरी के भी होते हैं, मल्टी चुनरी। ये मतलब अगर हमें उपटन का कोई भी सामान खरीदना है ना कपड़ों का, तो वो हम बस इस शॉप पर आ जाएं। वाकई ये बेहतरीन आपने बताया है, व्हाइट कमीज सलवार पे अगर ये दुपट्टा लगाया जाए तो यू आर लुकिंग ऑसम, वाओ, आपसे अच्छे कोई नहीं लगेगा शादियों में। ये अभी एक और हमें चीज दिखाने वाले हैं, कह रहे हैं कि ये बड़ी यूनिक चीज है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, प्योर गजी सिल्क जिसे कहा जाता है, अजरक स्टाइल है। ये देखें,
लाइट है जबरदस्त। और उस पे जो है गोट वो है बेसिकली बनारसी हैंड नोटेड है, प्योर हैंड नोटेड, इसे गजी सिल्क का है भी जाता है, इसमें मुकेश्वर का काम होता है और इसके ऊपर और बहुत फाइन क्वालिटी लुक बहुत अच्छा आता है। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो इसके सर्कल है इस पे हम मुकेश्वर करा सकते हैं। बिल्कुल मुकेश्वर काम होता है इस पे और बहुत फाइन आला हो जाता है, जबरदस्त वैरायटी तो है, डिफरेंट है। जब जो कोई बंदा विजिट करेगा शॉप नंबर 53 केसराट, किसी से पूछे मदीना सेंटर नियर जैनब मार्केट शॉप 53 केसराट एंड कलेक्शन। सही, अब हम बाहर की जानिब जाते हैं और आपको और मजीद शॉप दिखाते हैं। जी जी, के यहाँ पर मदीना मॉल में, ये मदीना मॉल है, मदीना सिटी मॉल, ये मदीना सेंटर है और मदीना सिटी मॉल अलग है, ये मदीना सेंटर है। और हम इनकी दुकान से बाहर निकल रहे हैं और हम जाते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे भी सारे काम वाले दुपट्टे हैं, यहाँ पर जो है वो लड़कों की शॉप भी है जिसमें टी शर्ट वगैरह है। और मैं आपको एक कॉर्नर दिखाती हूँ, इस कॉर्नर पे बहुत जबरदस्त जो है वो बैग्स हैं। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये मदीना सेंटर में ज्यादातर ट्रेडिशनल चीज है। ये पिंक बैग देखें सितारों के काम के साथ कितना जबरदस्त है, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग बैग होते हैं। आप ऐसा ना समझें कि ये बैग जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, ये बहुत जबरदस्त बैग होते हैं और ये धुलते हैं, वॉशेबल होते हैं और बहुत चलते हैं। ये देखें डिफरेंट स्टाइल में यहाँ पर आपको मिलेंगे मदीना सेंटर में। और जनाब यहाँ पर भी सारे ट्रेडिशनल चीजें और कपड़े हैं। कोई बेबी पिंक पे स्टॉल है आपके पास? स्टॉल ये देखिए, ये अगर आपको पश्तून ड्रेस और इस तरह के ड्रेसेस कल्चर डे के लिए लेने हैं तो वो सब यहाँ मिलते हैं। बच्चों के भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आप आराम से यहाँ से आके खरीद सकते हैं।